आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कोरोना का ओमिक्रोन वेरिएंट का कृषि निर्यात पर असर पड़ा था, तो वहीं अब ओमिक्रोन के प्रसार में कमी के कारण बासमती चावल के एक्सपोर्ट में वृद्धि हो रही है। कोरोना काल ने न केवल कृषि व्यवसाय को प्रभावित किया था, बल्कि चावल के निर्यात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। साथ ही उत्पादन में भी गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे ओमिक्रोन प्रचलन कम होता जा रहा है और बासमती चावल का निर्यात बढ़ रहा है, चावल निर्यातकों के मुताबिक नवंबर के मुकाबले जनवरी में वृद्धि 15 से 20 फीसदी ज्यादा रही। व्यापारियों का कहना है कि इतना ही नहीं, कीमतों में भी 500 रुपए का इजाफा हुआ है। नवंबर के महीने में ओमिक्रोन बढ़ते प्रकोप के कारण बासमती चावल की मांग घट गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रसार के बावजूद कई देश बाजारों को बचाए रखने में सफल रहे, लेकिन नवंबर में ओमिक्रोन का प्रचलन तेजी से बढ़ता रहा था। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जहां एक ओर लॉकडाउन का डर था, तो वहीं दूसरी ओर परिवहन व्यवस्था भी बाधित हो गई थी, जिससे सभी को नुकसान हो रहा था। लेकिन अब सब यातायात सामान्य हो गया है, जिससे व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं चावल की नौवीं किस्म बाजार में आ गई है, इसके बावजूद पारंपरिक किस्म 1121 की काफी मांग है। चावल की किस्में 1401 से और 1509 भी दुनिया में लोकप्रियता हासिल कर रही है और अमेरिका से पारंपरिक चावल की मांग बढ़ती जा रही है। खाड़ी देशों से चावल की 1121 किस्मों की मांग बढ़ रही है। जहां चावल की मांग बढ़ रही है, वहीं बासमती चावल की कीमत 10 रुपए क्विंटल से बढ़कर 10,000 से 500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। जहां कोरोना का प्रसार कम हो रहा है, वहीं बाजार के लेन देन में सुधार हो रहा है। वहीं चावल पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसे निर्यातकों ने कहा है कि बासमती चावल की कीमत पिछले साल की तुलना में काफी बड़ी है और चावल की अन्य किस्मों की मांग भी बढ़ रही है। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और भी अच्छा दाम मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।